सो गाइस, बहुत सारे छापा वीडियोस पे भी हमने रिएक्ट किया है जिसमें बॉलीवुड ने गाने लिए हैं पाकिस्तानी कंटेंट से, यू नो देयर म्यूजिक, देयर लिरिक्स. कुछ गानों को तो सिर्फ रीमिक्स किया गया है. सो आई रियली होप कि यू नो दिस शुड नॉट बी अ बिग इशू एंड कॉपीराइट जैसा, मतलब आप कंटेंट ही हटा रहे हो. आई रियली होप यू नो दिस इज रिजॉल्व क्विकली. हे गाइस, इट्स क्रिटलीन, वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग्स. सो गाइस, यू नो आई हैव स्पोकन एट लेंथ अबाउट हाउ मच यू नो आई वॉज लविंग द सीरियल तेरे बिन. एंड मैं अभी 14th एपिसोड पे थी जबकि आई थिंक 19-20 एपिसोड आउट हो चुके थे. बट आई वॉज अ लिटिल बिहाइंड. मैं एक दिन देख रही थी एंड देर वर नो एपिसोड्स. एंड फिर आई वेंट ऑन रिसर्चिंग कि ऐसा क्यों है. तो मुझे पता चला कि यू नो ड्यू टू सम कॉपीराइट इशूज फ्रॉम इंडिया कि वो इट हैज़ बिन रिमूव. लेकिन बाद में ऐसे न्यूज़ आई कि जो OST है वो रिस्टोर हो गया है एंड इवेंचुअली बाकी एपिसोड्स भी रिस्टोर हो जाएंगे. बट आई एम इन शॉक. एंड मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रही थी, एक मलिका रहमान करके चैनल है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ. तो वो सारे अपडेट्स देते रहते हैं पाकिस्तान के बारे में. तो उन्होंने भी ये लिखा था कि तेरे बिन यू नो हैज़ बिन द हाइएस्ट स्ट्रीमिंग थिंग ऑन द इंटरनेट इवन इन इंडिया. तो इंडिया में भी काफ़ी इसका चल रहा था. लेकिन आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. सो दिस इज़ अ वीडियो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसा क्यों हुआ. एंड आई एम अटली शॉक्ड एंड सैडन्ड बाय दिस मूव. एंड यू नो इंडियंस ही इतना ये सीरियल देख रहे हैं और इंडिया ने इसको बैन कर दिया, तो ये सुनने में देखने में थोड़ा सा सैडनिंग है. इट सैडन्स मी. बट लेट्स गेट इन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए. लेट्स गेट इन द वीडियो. और इंडियंस कंटेंट क्रिएटर दुनिया में इतने बड़े इसलिए हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट निकल के आ रहा है कि जिसकी वजह से उनके 100-100 मिलियन पे चैलेंज पहुँच रहे हैं. थिंग इज़ कि वहाँ पर पॉपुलेशन आप देखें ना कि पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ है तो उनके तो शायद 120 करोड़ वहाँ पर आवाम रहती है. तो कोई भी चीज़ माइनर सी माइनर अगर वहाँ पर वायरल होती है तो वो मिलियंस में जाती है. हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ नुमान अलीम. बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. फैंस की तरफ से बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी और मैं ख़ुद भी देखकर बड़ा हैरान हुआ कि कैसे एक इतना बड़ा चैनल और उसकी इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त क्रिएशन के ऊपर कोई दूसरा बड़ा चैनल कॉपीराइट क्लेम लगाकर वो कंटेंट रिमूव करवा सकता है. मेरे ख्याल से आई वॉज़ द पायनियर जिसने सबसे पहले ये बात रेज की कि हाँ, ये कंटेंट जो पाकिस्तान में तेरे बिन ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है या फिर उसका जो OST था वो बहुत ज़्यादा रिदम के एतबार से सोचा जाए तो मैच करता था जो बॉलीवुड का गाना है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी. यस, रिदम मैच होता था बट आई डोंट थिंक सो के वो इस तरह का मैच हो रहा है या इस तरह का म्यूजिक वहां से कॉपी कर लिया गया है कि उसके ऊपर शायद आप कॉपीराइट क्लेम दो. इस तरह तो आई कैन नेम थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स जो बॉलीवुड ने बनाए हैं पाकिस्तान के रिदम को कॉपी करके. हम अगर उन सब के ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगाएं तो शायद आधा बॉलीवुड का कॉन्टेंट ही ख़त्म हो जाता है. तो ऐसा नहीं कर सकते यार. ये एक बहुत ही स्टूपिड एक्ट किया गया जी म्यूज़िक कंपनी या जी म्यूज़िक पब्लिशर्स की तरफ से. मैं देख रहा था कि तेरे बिन की एपिसोड आई गेस के 16 के बाद 17 भी रिमूव कर दी गई है, 18, 19 और 20 भी रिमूव कर दी गई है क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनका चल रहा है तेरे बिन का OST. और फिर साथ साथ प्रीवियस एपिसोड्स को भी रिमूव किया गया है. तो इस तरह से अगर हम रिदम की बेस के ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगाने बैठेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर एक अच्छा खासा कंटेंट रिमूव हो जाएगा. हाँ, हम थोड़ा सा मसाला लगाने के लिए वीडियोस में सीन्स दिखाते हैं कि अच्छा ये सीन उससे मैच हो गया, फलानी चीज़ उससे थोड़ी सी मिलती है ताकि लोगों को थोड़ा सा मजीद इंटरेस्टिंग लगे वीडियो. बट दैट डजेंट मीन कि उसके ऊपर आप कॉपीराइट बैठ के खेलें. तो आई थिंक कि ये एक बहुत ही बुलशिट जो है वो कदम उठाया गया जी म्यूज़िक पब्लिशर्स की तरफ से. हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था और फिर इंडिया में भी इतना ज़्यादा वो वायरल हो रहा था. तो सोचो कितनी ज़्यादा टीम हर्ट होती है कि जब उनको ये देखने को मिले कि उनका कंटेंट जो है, उनकी जो मेहनत है वो यूट्यूब से रिमूव कर दी गई है. और यूट्यूब की भी मुझे समझ नहीं आती कि अभी हाल ही में जो बॉलीवुड का सॉन्ग है पठान मूवी का बेशरम रंग, उसके ऊपर हमारे सज्जाद अली ने कितनी आवाज़ उठाई है कि
यार ये मेरे फलां सॉन्ग से कॉपी करता है, इसका रिदम मैच करता है, ये मैच करता है, वो मैच करता है, बट यूट्यूब ने तो उसको रिमूव नहीं किया क्योंकि यूट्यूब को पता है कि सज्जाद अली का अपना कोई ऐसा सच बहुत बड़ा चैनल नहीं है, तो इसको क्या मैं ऐसे देखूँ कि जी पब्लिशर्स के चूँकि 93 या 94 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, तो दैट्स वाई वो ज़्यादा वर्थ रखते हैं। ये तो एक बड़ी ड्यूल पॉलिसी होगी ना कि जहाँ पर आप फिर शायद छोटे कंटेंट क्रिएटर को वो वैल्यू नहीं दे रहे जो बड़े कंटेंट क्रिएटर को दे रहे हो। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे, हम सब देखो अर्न करते हैं इस इंडस्ट्री से, चाहे हम इस पर रिव्यूज़ बना रहे हैं, चाहे हम इसके अंदर एक्टिंग कर रहे हैं, या चाहे हम यहाँ पर इसके ऊपर ओवरऑल एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कोई, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और यूट्यूब को ज़रूर ट्विटर के ऊपर टैग करना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अगर हम इस तरह से माइनर रिदम की बेस के ऊपर कंटेंट को रिमूव करने बैठेंगे तो फिर तो बहुत सारे आप इंडियंस को बहुत अच्छे से पता है कि कितने ज़्यादा पाकिस्तानी सॉन्ग्स को कॉपी किया जाता है, तो चूंकि अब हमारे पास क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या मतलब वो कंटेंट इजीली यूज़ होता रहेगा। तो देखें अगर तो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखनी है फिर वो दोनों साइड्स पे होनी चाहिए ना, वो फिर पाकिस्तान के भी एंड पे होनी चाहिए कि अच्छा कि अगर हम कोई चीज़ क्लेम करें तो वो फिर यहाँ से भी बात फौरन सुनी जाए। और इंडियंस कंटेंट क्रिएटर दुनिया में इतने बड़े इसलिए हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट निकल के आ रहा है कि जिसकी वजह से उनके 100-100 मिलियन पे चैलेंज पहुँच रहे हैं। थिंग इज़ कि वहाँ पर पॉपुलेशन आप देखें ना कि पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ है तो उनके तो शायद 120 करोड़ वहाँ पर आवाम रहती है, तो कोई भी चीज़ माइनर सी माइनर अगर वहाँ पर वायरल होती है तो वो मिलियंस में जाती है, तो इसको आप ऐसे कैटर नहीं कर सकते कि शायद को वहाँ पर एक्स्ट्रा टैलेंट जनरेट हो रहा है। सॉरी टू से बट मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ इस टाइम, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक कि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी क्रिएशन है, तेरे बिन का ओएसटी बहुत अच्छा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी उस गाने से तो लाख गुना बेहतर है। अगर आप तेरे बिन का ओएसटी सुनो तो मतलब दैट इज़ फिनोमिनल, बहुत ही अच्छा ओएसटी है और ड्रामे के साथ उसकी थीम के साथ बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, तो ये एक बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है हमारे साथ स्पेशली फ्रॉम यूट्यूब, तो आई थिंक कि इसके ऊपर यूट्यूब को भी एक्शन लेना चाहिए, हमारे ओएसटी को रिवर्ट करना चाहिए। इतना कोई कॉपी का आई डोंट थिंक सो कि इसमें इशू नहीं है कि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम जो है वो बड़े अच्छे से जस्टिफाई हो सके। सो भैया दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से तेरे बिन की एपिसोड्स गायब हुई हुई हैं, ओएसटी नहीं मिल रहा, तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से भैया हमारा कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट आई वुड से के रिमूव कर दिया गया। Understood the reason. ये चीज़ मैंने नोटिस भी की थी कि जब OSTs का चल रहा था, जब ये सीरियल भी मैं देख रही थी तो ट्यून काफ़ी सिमिलर है टू ठुकरा के मेरा प्यार। ठुकरा के मेरा प्यार इज़ ऑल्सो वेरी आइकॉनिक सॉन्ग, उस पर बहुत मीम्स बनते हैं एंड इंस्पिरेशन लेते हैं लोग उससे बिकॉज ऑफ द मूवी, जैसी भी वो मूवी है। बट आई फील तेरे बिन का ना तो स्टोरी उस तरीके की है, ना ही उसके OST का मतलब उस तरीके का जैसा गाना ठुकरा के मेरा प्यार है। तो रियली होप कि टैलेंट को रिकग्नाइज किया जाए एंड यू नो रिस्टोर कर दिया जाए सारे एपिसोड्स। अभी मैं 14th एपिसोड पे स्टक थी, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो वॉच फर्दर एपिसोड्स। इतने अच्छे वो एक्टर्स हैं, इतनी डिफरेंट स्टोरी इतने टाइम बाद आई है। यू नो यमुना जैदी इज़ इन सच अ गुड रोल, इतने टाइम बाद एक रोमांटिक रोल में देखने को मिल रहा था। बहुत अच्छा सीरियल जा रहा था। मेरे हमसफ़र जितना ही क्रेज़ है इसका भी इंडिया में तेरे बिन का, जितना मेरे हम सफ़र हिट हुआ था उतना ही तेरे बिन हिट चल रहा था। बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड आई रियली होप कि यूट्यूब जस्टिस करेगा एंड सारे एपिसोड्स को रिस्टोर कर दिया जाएगा। सो गाइस दिस इज माय रिएक्शन, आई रियली होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड दिस वीडियो को लाइक कर दो, लीव डाउन अ लवली कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। सो गाइस दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ, वी लव यू गाइस।